हेल्थ प्लस प्रोग्राम च अज असीं तुहानूं लै के चल रहे हां समाणा दे मशहूर ते वधिया हस्पताल डॉक्टर जौहरीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर सुरिंदर जौहरी जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो डॉक्टर जौहरीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल च सेवावां दे रहे ने। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं वो आजकल ज़्यादा हो रही हैं, पहले टाइम में इतनी नहीं थी, क्योंकि उसका कारण है बच्चों की डाइट का, बच्चों के मोबाइल का, बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल नील है। इसलिए हम उनको जो हमारे पास आते हैं हम उनको प्रमोट करते हैं कि बच्चे ऐसे करो, ऐसा खाना खाओ, ऐसा एक्सरसाइज करो, ऐसा करो। उससे काफ़ी लोगों को जैसे वेट गेन है, पॉलीसिस्टिक जो ओवरीज हैं उनमें बच्चा फैटी बहुत है, लड़कियां फैटी बहुत हैं, तो वो जो फैटी हैं तो उसमें क्या है, उसमें भी मेंसेस की प्रॉब्लम है, मेंसेस की प्रॉब्लम है तो नो प्रेगनेंसी, तो उसके लिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट लो और मतलब फिर ड्रग मॉडिफिकेशन तो साथ में। डॉक्टर जौहरी सेहत सेवावां दे नाल नाल विद्या दे खेतर विच भी अपना योगदान पा रहे ने। समाणा दा मशहूर मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल इन्हां दी देखरेख विच चल रहा है। साड़ी पंजाब प्लस दी टीम ने इस हस्पताल दे डॉक्टर रितु जौहरी जी नाल गलबात कीती ते उना दे कोलों अजकल लोकां विच वध रही इनफर्टिलिटी दे कारणां बारे जानिया। साड़ी टीम ने उना पासों IVF अते ICSI तकनीका बारे भी जानकारी हासिल कीती। दर्शको हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मनाने जा रहे हैं डॉक्टर रितु जौहरी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी का फील्ड हो, चाहे गायनी का फील्ड हो, समाना के जौहरी हॉस्पिटल में ये सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। डॉक्टर साहब, IVF जो किसी समय पे एक सपना हुआ करता था कि लोग बाबाओं के पास जाते थे कि हमने बच्चा लेना है, जो इनफर्टाइल कपल्स होते थे, लेकिन आजकल ये जो चीज़ें हैं वो वैज्ञानिक तरीके से संभव हो चुकी है और आप लोग पिछले लंबे समय से ये जो सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जो आजकल का सिनेरियो है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, साथ साथ प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, और जो इनफर्टिलिटी है यानी बच्चा ना होना, ये एक बहुत ज़्यादा आम समस्या बन चुकी है और उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे लेट मैरिज होना, और लड़की भी आजकल एजुकेशन में है, लड़का भी एजुकेशन में है, तो उनकी लेट मैरिजेज होती हैं और फिर वो बाद में इनफर्टिलिटी से जूझते हैं, और बहुत सारे मतलब रीजन्स हैं इस इनफर्टिलिटी के, जैसे मेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर है, मेल फैक्टर में शुक्राणु का नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चाहे उसके पीछे आप नशा लगा लो या जॉब की जॉब, जिस तरह की जॉब्स हैं लड़कों की, जैसे आजकल लैपटॉप का यूज़, कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है, तो रेडिएशंस का जो हमारे एनवायरनमेंट में असर है, मोबाइल्स का 24 घंटे यूज़ करना, ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे शुक्राणु का नंबर कम करते जा रहे हैं, और बहुत सारे कपल्स जब पहले तो एक दो साल परवाह नहीं करते, बीवी एक तो लेट मैरिज है उसके बाद भी वो एक दो साल के एक्सपीरियंस रखते हैं, जब वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं तो प्रेगनेंसीज नहीं होती, तो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, मतलब इसमें ये नहीं कि सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, मेल और फीमेल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों को ही हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा फैक्टर कहाँ पे डेफिशिएंट है, उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया करके उसको कोशिश किया जाता है कि जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही कपल को, तो उसको किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी कराई जाए। 30-35 साल का तजर्बा और एक नई टेक्निक्स, एक सोने के सुहागे की बात हम कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब जिस समय पर कोई स्कैन नहीं था, कोई और चीजें नहीं थी, तब उनको हाथ लगाकर उनके में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अब आ चुका है और आपके साथ आपकी मशीनरी, आप मॉडर्न टेक्निक्स के साथ लैस होकर आए हैं, और डॉक्टर जो आपके मदर इन लॉ हैं जिनने सारी ज़िंदगी जो है गायनी के फील्ड में अपनी सेवाएं दी हैं, और बहुत सारे लोगों को तब तो ये मशीनरी और ये चीज़ें इनफर्टाइल कपल्स तब भी आते थे, तब भी ये फर्टिलिटी हॉस्पिटल माना जाता था कि डॉक्टर जौहरी के पास चले जाओ, लेकिन अब जब आपने आकर उनको उनकी उसी सेवाओं को आगे बढ़ाया है
और आप दोनों अपनी मदरिनला और आप खुद मिलकर जब कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी आप उनसे डिस्कशन करते हैं और वो आपसे डिस्कस करते हैं, क्या ये भी एक मील पत्थर है जिसकी वजह से जो जौहरी हॉस्पिटल के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़िया है? हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग एक जब एक पेशेंट हमारे पास एनरोल होता है तो वी डिस्कस ऑल द थिंग्स विद ईच अदर और आपस में हम लोग सलाह करते हैं। उनके अपने मेरे मदर इन लॉ के खुद के बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हैं और उन एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर जैसे कहते हैं कि नए और पुरानी टेक्निक को जोड़कर हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने की कोशिश करते हैं। तो सर, PCODs जो कि आजकल छोटी छोटी बच्चियों में ही अगर बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जिसमें आप लोग लोगों को अवेयर भी करते हैं, साथ साथ में कैंप भी लगाते रहते हैं, फ्री कैंप भी लगाते रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी आप जाकर इस चीज के लिए लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे आपने लाइफस्टाइल जीना है, क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा, PCOD एक आम दिक्कत आ चुकी है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है अपनी वो मदर्स के साथ आती हैं लड़कियाँ और उनको पीरियड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ओबेसिटी लड़कियों में बढ़ती जा रही है और साथ में ये PCOD की प्रॉब्लम जो है बच्चों के अंदर हेयर ग्रोथ, फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ होना और उसको उनको एम्बेसिंग फील होता है और हम लोग उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं और हम लोगों ने काफ़ी PCOD के कैंप्स भी स्कूल और कॉलेजेस में लगाए हैं और उनको अवेयर करवाया है कि ये कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके इस डिजीज़ को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। और इस PCOD को मदर को समझाया जाता है कि जैसे मान लो एक लड़की की एज मैरिजेबल एज में है और वो PCOD की बीमारी से ग्रसित है तो उसकी मदर को समझाया जाता है कि आप अभी फिलहाल इसको पीरियड सही होने की मेडिसिन देकर आप जब आप इनकी मैरिज करेंगे तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि इस बच्चे को आगे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है तो उसको ये सलाह दी जाती है ताकि वो गुमराह ना हो कि अभी सिंपल थोड़ी सी ट्रीटमेंट करवा के बच्चा बाद में दिक्कत में ना आए तो उसको हम फॉलोअप के लिए रखते हैं। और बहुत सारी फैमिलीज जो हमारी मेरी मदर इन लॉ की वजह से हम लोग एक ये प्रोफेशन ही चला रहे हैं तो बेसिकली हम लोग एक फैमिली बहुत सारी फैमिली से जुड़े हुए हैं तो वो हमारी बात समझते हैं और वो समझते हैं कि हाँ हमें इस लड़की की मैरिज करने के बाद भी हमें आगे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है तो वो बच्चों को आफ्टर मैरिज भी लेकर आते हैं और उनको अगर मान लो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही होती है क्योंकि PCOD मैरिज के बाद प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत करती है क्योंकि इसमें प्रॉपर ओवुलेशन नहीं होती पेशेंट को तो उसको हम हेल्प करते हैं कि थोड़ी सी ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को प्रेगनेंसी हो जाए और उसकी प्रॉब्लम बढ़े ना। सर, जिस तरीके से IVF में नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं और आप हमेशा इस हालांकि हम लोग समाना में बैठे हुए हैं, एक कस्बा है, लेकिन आपने जो फैसिलिटीज है वो चंडीगढ़ की बात कर लें, लुधियाना की बात कर लें, अगर हम बड़े बड़े शहरों के साथ आप उसकी अटैचमेंट है आपकी और उसके बढ़िया मशीनरी के साथ और नई से नई टेक्निक जो है वो वहाँ यहाँ पर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पिछले 8 साल से IVF की टेक्निक से जुड़े हुए हैं और हम इस इलाके को ये सेवाएं तो चंडीगढ़ और लुधियाना में बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, हम छोटे शहरों में ही बैठकर बहुत कम खर्चे में उनको ये फैसिलिटीज दे रहे हैं। लेटेस्ट की अगर बात की जाए तो IVF तो है ही है, इसके अलावा ICSI, IMSI और लेज़र हैचिंग तक हम इस सेंटर में कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि उनको IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से भी फ़ायदा नहीं होता, जैसे लेडी की एज ज़्यादा है तो जो उसके एम्ब्रियोस बनते हैं वो प्रॉपरली हैच, जो एग है वो प्रॉपरली हैच नहीं हो पाता तो उसके लिए हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं ताकि वो एग को हम प्रॉपरली तरीके से बना सके। जैसे day 5 का ट्रांसफ़र हम लोग यहाँ कर रहे हैं, day 5 का मीन्स की एम्ब्रियोस के अलग अलग स्टेजेस हैं, day 3 का ट्रांसफ़र, day 5 का ट्रांसफ़र, बेसिकली जब एम्ब्रियो की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने प्रेगनेंसी के रेट हाई होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि भी हम पेशेंट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं और उसको लेटेस्ट फैसिलिटीज़ दें ताकि वो हम उसको प्रेगनेंसी होने में मदद कर सके। हम लोग यहाँ पर IVF के अलावा ICSI भी यहाँ पे हो रही है, लेज़र हैचिंग भी हो रही है हमारे पास और IMSI टेक्निक जिसमें शुक्राणुओं का नंबर काफ़ी कम होता है और उनकी मोबिलिटी कम होती है तो उसको ध्यान में रखकर भी हम ये सारी फैसिलिटीज़ अपने सेंटर में पेशेंट्स को दे रहे हैं। हाँ, हमारे पास ये सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे एक पीछे एक कपल था वो दुबई में ही स्थापित था तो जब वो कपल आया तो बेसिकली लड़की तो यहाँ पर रह गई पर हस्बैंड को वापस जाना था अपनी ड्यूटीज़ पे तो हमने उनका स्पम्स सीमेन बैंक अपने यहाँ पे उनका फ्रीजिंग की थी स्पम्स की और पेशेंट को IVF के लिए उनके जाने के बाद ही लिया था।
और कपल को एक अब बच्चा भी हो चुका हुआ है उस, और इस ये जो नई टेक्निक्स हैं फ्रीजिंग की टेक्निक्स हैं उसमें क्या होता है कि भी पेशेंट को बाउंड नहीं रहता कि भी हाँ उसको इतनी लंबा ट्रीटमेंट यहीं रह के करवाना है। तो स्पेशली जो कपल बाहर NRIs के रूप में अपनी सेवाएं बाहर के मुल्कों में दे रहे हैं तो वो अगर इंडिया में अपनी ये फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो टाइम बाउंड नहीं होता। तो इस फ्रीजिंग के जरिए हम ये टेक्निक्स उनको आफ्टर गोइंग अगर मान लो हस्बैंड को जाना पड़ता है तो हम ये टेक्निक्स उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर रहे हैं और जैसे मान लो किसी के हमने उसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा दिया और उसके बहुत सारे एम्ब्रियोस डेवलप हो गए तो बाकी हम एम्ब्रियोस उसके फ्रीज कर लेते हैं और उसको ये मतलब ऑप्शन होती है कि वो उन एम्ब्रियोस को बाद में भी यूज़ कर सके फॉर द टाइम्स टू कम। एक तो प्रेगनेंसी अपने आप होना और एक आप अंडर ट्रीटमेंट हो तो पेशेंट के अंदर कपल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो कैरियर जो है ये अब आजकल के जो टाइम चल रहा है तो कैरियर मेकिंग भी इज़ अ बिग इशू और साथ में जो इनफर्टिलिटी है वो इसका एक साइड इफेक्ट है कैरियर का। तो वन शुड हैव बैलेंस की यस आफ्टर द मैरिज एलिजिबल एज शुड बी 25 इयर्स एंड द कपल शुड अंडरस्टैंड दैट इफ दे हैव गॉट मैरिड एंड दे वांट द प्रेगनेंसी दे शुड कंप्लीट देयर फैमिली एज अर्ली एज पॉसिबल एंड इफ देयर इज सम डिफिकल्टी इन कंसीविंग दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स एज अर्ली एज पॉसिबल अनलेस बशर्ते इसके कि वो किसी और क्वैक्स के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। उनको टाइमली अपना ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए ताकि वो अपनी ये जो प्रॉब्लम से झेल रहे होते हैं वो उस चीज़ से जल्दी बाहर आएं और वो अपना एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार सकें। सर ये जो फैमिली है डॉक्टर्स फैमिली जैसे डॉक्टर जौहरी हो गए उनके वाइफ हो गए और आपके जो हस्बैंड है वो भी इसी फील्ड में सेवाएं अपने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपका कॉम्बिनेशन जो है वो एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो आप उसकी काउंसलिंग कर लेते हैं, कई बार मेल फैक्टर को थोड़ा सा फीमेल्स के साथ ज्यादा बात करना डिफिकल्ट लगता है तो आपके हस्बैंड जी हैं जो वो भी आपके साथ अटैच होकर और उन लोगों को काउंसलिंग करते हैं आप लोग दोनों और उनको कई बार सिंपल रीजन के साथ ही जो है प्रेगनेंसी जो हो जाती है। हाँ आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो IVF है या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है इट इज़ अ टीम वर्क, जितने लोग इस टीम में जुड़ जाते हैं उसमें ही पेशेंट को उस चीज़ का बेनिफिट होता है। जैसे मेरे मदर इन लॉ गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेरे हस्बैंड सर्जन हैं और मेरे फादर इन लॉ भी मेडिसिन के डॉक्टर हैं तो उसकी वजह से हमारे टीम वर्क होने की वजह से हम एक ही छत के नीचे पेशेंट को बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी के लिए पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं पे सारा कुछ उसका जब वो व्हेन ही कम्स इनसाइड द हॉस्पिटल ही और शी मतलब डजंट गो एनीवेयर एंड ऑल द टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस अल्ट्रासाउंड्स एंड एनी सर्जरी रिकमेंडेड फॉर द इनफर्टाइल कपल दे आर डन अंडर दिस सिंगल रूफ। वी आर डूइंग ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, वी आर डूइंग ऑल हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरीज। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स लेडीज में जो इनफर्टाइल कपल होता है तो उसको ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम उसकी स्कैनिंग करते हैं तो कई बार यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे यूट्रस में सेप्टम का होना, रसोलियों का होना या कई बार ट्यूबों का बंद होना। तो हम लोग पेशेंट को अपने ही हॉस्पिटल में अंडर वन रूफ हम उसको लेप्रोस्कोपी या हिस्टेरोस्कोपी के लिए लेते हैं और बहुत सारे पेशेंट जिनके सेप्टम जैसे कई लोगों के हम लोग देखते हैं लेडीज़ के अंदर सेप्टम की प्रॉब्लम होती है यूट्रस के अंदर तो हम स्टेरोस्कोपिकली ही उसको ट्रीट कर देते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स ने इन सेवाओं का फ़ायदा उठाकर उनको प्रेगनेंसी हुई हैं और पेशेंट को कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ता कि स्टेरोस्कोपी वहाँ करवा के आओ जी फिर हम आपका IVF करेंगे, क्योंकि हमारा टीम वर्क होने की वजह से हम पेशेंट को एक एक ही जगह पर उसकी अगर उसकी कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कोई ट्यूब्स ब्लॉक हैं ट्यूब खोल कर और फिर हम उसको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए ले लेते हैं तो पेशेंट को इधर उधर नहीं जाना पड़ता और वो एक ही अंडर वन रूफ अपनी सारी पूरी ट्रीटमेंट करवा सकता है। आपके पास तो बहुत बड़ा डाटा है, हम चाहेंगे कि पंजाब प्लस के माध्यम से जैसे हमने आज से 3-4 साल पहले भी आपकी स्वयं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से शेयर की, हम लोग इसी तरह से शेयर करते रहे। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।